यूपी सरकार ने पीडब्ल्यूडी के साथ अधिशासी अभियंता को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी है। जिन सात अधिशासी अभियंता को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है उनके खिलाफ सेवाकाल में कई गड़बड़ियों के आरोप थे। शासन की ओर से ये कहा गया है कि जांच के नतीजों और कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने की वजह से ये कार्रवाई की गई है। शासन की ओर से इन सात अधिकारियों की सेवानिवृत्ति के लिए शासनादेश भी जारी कर दिए गए हैं। जिन अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है उनमें आजमगढ़ में तैनात अधिशासी अभियंता राजेंद्र कुमार सोनवानी और मिर्जापुर में तैनात अधिशासी अभियंता देवपाल के साथ ही एटा में तैनात विपिन पचौरिया, श्रीवस्ती में तैनात अधिशासी अभियंता पवन कुमार शामिल हैं। इसके अलावा खीरी एनएच विंग के अधिशासी अभियंता गिरजेश कुमार, बलिया के राम केवल प्रसाद, सहारनपुर में तैनात अधिशासी अभियंता मदन कुमार संतोषी को भी अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई है। सात अधिकारियों के खिलाफ अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। गौरतलब है कि सरकार किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को 50 साल की उम्र के बाद 3 महीने का नोटिस या उसके बदले वेतन भत्ते देकर सेवानिवृत्ति कर सकती है। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।